हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं हम 8280 मशीन में पिको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, हमें इस नीचे वाले फुट को जो है नॉर्मल फुट, उसको हटाना होता है। ये पीछे इस तरीके से पिन टाइप सा होता है, इसको ऐसे दबाएंगे, प्रेस करने से ये निकल जाता है। और ये जिसको अभी मैंने हाथ लगाया, ये लीवर होता है, इसको उठाएंगे और फिर अब दूसरा फिट इसके नीचे रखेंगे, वो निकल गया। और अब इसके वाला जो फुट है पिको का, ये वाला, ये इसके साथ ही आता है, ये वाला, इसको इसके नीचे एकदम नीचे रखेंगे। और नीचे रखने के बाद ऊपर से फिर लीवर को दबा देना है। कभी कभी एडजस्ट नहीं हो पाए तो थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से रखेंगे तो ये सही से एकदम से एक ही बार में फिट हो जाता है। देखिए, हो गया ये। और अब हम इस कपड़े पे जिस पे करेंगे, उसको पहले कोने से या साइड से बिल्कुल धागे वगैरह अच्छे से कटिंग कर लें और बिल्कुल स्मूथ कर लें किनारे को, तब सही से अच्छी आएगी। फिर ये टेंशन थ्रेड और ये स्टिच डायल है, इनको देखना रहता है। तो इसमें देखिए, इस वाले को, ऊपर वाले को, इसको हम कर लेंगे 2 पे, और ये है पैटर्न वाला, तो इसमें हम जिग जैग पैटर्न कर लेंगे। पैटर्न व्हील को इसको जिग जैग पे, और यहाँ से कपड़ा अगर बहुत पतला है तो 2 पे या 1 पे चल जाता है, लेकिन अगर काफ़ी मोटा है तो आप 3 या 4 पे कर सकते हैं। अभी मैंने 2 पे किया हुआ है इसको। और ये साड़ी का पल्लू है और इसको हम पीको करेंगे। तो कोने से हल्का सा गोल या थोड़ा सा रोल करते हुए देखिए, यहाँ से एक बार सुई को ऊपर नीचे चलाएंगे ताकि धागा आ जाए। और देखिए, ये इस तरीके से हमने इसको चलाया। और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना आपको, स्मूथली ये जो धागा है इस कपड़े को हल्का सा बस इस तरीके से खड़ा करते हुए रखना है। जैसे फिंगर से अभी मैं रखूँगी, ये धागा थोड़ा सा हल्का शायद उलझ गया है, तो एक बार कट करके इसको फिर से लगाऊंगी। देखिए, अब इस कपड़े को हम हल्का सा उठाते हुए बस, और इस पिन के अंदर हल्का सा सिटक रखते हुए चलाएंगे मशीन को। और कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा 2 टाका लगते ही देखिए इसमें ये फुट अपने आप ही कपड़े को अंदर लेता रहता है। बस आप हल्का से इसको खड़ा रखिए और इस तरीके से ये पीको होता चला जाएगा, ये स्मूथली हो जाता है। सिर्फ इसको इस तरीके से बस हल्का से खड़ा रखते हुए कपड़े को सीधा रखिए ऐसे, और ये अच्छे से हो जाता है। देखिए, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।